बिहार के पड़ोसी राज्य झारखंड में चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद से ही सभी पार्टियों ने कमर कस ली है। टिकट बंटवारे से लेकर अपने विधानसभा में उम्मीदवार माहौल बनाने में जुट गए हैं, लेकिन इन सब के बीच झारखंड चुनाव में आरजेडी अलग थलग पड़ी नजर आ रही है। झारखंड में चुनाव को लेकर सरगर्मियां काफी टाइट हैं। हर पार्टी सीटों के बंटवारे और कैंडिडेट फाइनल करने में लगी है, लेकिन इन सबों से बेखबर आरजेडी चीफ लालू यादव के दोनों लाल चुनावी चौसर से पूरी तरीके से गायब हैं। बीमार लालू यादव के झारखंड के नेता संपर्क कर रहे हैं, सीट बंटवारे को लेकर मुलाकात का दौर भी जारी है, लेकिन इन सबके बीच लालू के बीमार होने के बाद पार्टी को लीड करने वाले तेजस्वी दिल्ली दरबार में डेरा जमाए बैठे हैं। विपक्ष का कहना है कि झारखंड चुनाव के ऐलान से काफी पहले तेजस्वी यादव रांची जाकर चुनावी माहौल बना चुके हैं, लेकिन जब चुनावी समर में उतरने का वक्त आया तो तेजस्वी यादव ने दिल्ली में डेरा जमा लिया है। झारखंड चुनाव को लेकर जहां लगातार आरजेडी के कार्यकर्ता अपने बड़े नेताओं की आस देख रहे हैं क्योंकि लालू बीमार हैं, वहीं तेजस्वी दिल्ली दरबार में और तेज प्रताप यादव पहले ही अपना स्टैंड क्लियर कर चुके हैं। झारखंड चुनाव के समर से काफी दूर तेज प्रताप वृंदावन में गौ सेवा में लगे हैं। ऐसे में झारखंड चुनाव में आरजेडी की नैया कौन पार लगाएगा, ये बड़ा सवाल है। न्यूज़ 4 नेशन की रिपोर्ट।